सही आ रही है, बिजली भी है, मोहल्ला की लिंक भी है, यहाँ पर सी पी आर में कोई दिक्कत थोड़ी ना। वर्तमान में सरकार है, अभी देश में जितनी भी पार्टियाँ हैं उससे बेहतर पार्टी तो हमारी बीजेपी पार्टी है। मेरे ख्याल से मोदी जी को पीएम बनाना चाहिए, क्योंकि गडकरी जी भी योगी की मोदी जी कार्यकाल में ही काम कर पा रहे हैं, सड़कों का काम कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो केजरीवाल जी है, और मोदी तो अच्छा था, कोई प्रधानमंत्री है भी नहीं, मोदी है तो देश है और नहीं कुछ भी नहीं है। मैं तो यह सरकार चाहती जो पहले सरकार थी वो चाहती। कौन थी पहले? संजय गांधी, इंदिरा गांधी, वो दिलाओ, वो सरकार आ जाओ, वही तरीके हो जाएगी जो पहले थी। अग्नि पर योजना कर दी, उसमें बेचारा कहाँ जाए जवान, आप बताओ कहाँ फौज में भर्ती नहीं होना चाहते, 6 करोड़ लड़के तो आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे तो मोदी मिल जाए तो दे दबा दब, दे दबा दब। एक ऐसा कानून बनाए कि उनको उनकी फसलों के दाम मिले, ताकि हमारा भारतीय किसान जो आज परेशान है, दुखी है, वो उससे निकल कर एक समृद्ध किसान की भूमिका में। मोदी और योगी के शासन में जितना अच्छा शासन और व्यवस्था चल रहा तक कोई सरकार में हमने देखा नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हम डेली दिखाते हैं आपको किस्सा कुर्सी का, डेली जाते हैं जनता के बीच में, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव बहुत पास में है। ऐसे में जनता का मूड क्या है, जनता की राय क्या है, जहां एक तरफ केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम करते हैं, वो बताते हैं कि उनके मंत्रियों द्वारा कितने अच्छे काम किए गए हैं, तो वहीं यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मंत्री बताते हैं कि यूपी में जिस तरीके से विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो वहीं देश की बात करें जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर विपक्ष कहता है कि पीएम मोदी ने देश को लूट लिया, तो इन सब तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर हम चर्चा करने के लिए चलेंगे जनता के बीच में और जानेंगे जनता से जनता की राय। किस्सा कुर्सी हम डेली आपको दिखाते हैं, 2024 चुनाव क्योंकि पास में है। हमारे बीच में आज भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि लोगों की राय क्या है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आक्रमकता के साथ बीजेपी पर आरोप लगाती है, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, तो इन तमाम मुद्दों के साथ लेके हम बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम उधम सिंह है। कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। दिल्ली तो 2024 में कैसी सरकार देखते हैं आप? 2024 में जो भी सरकार आएगी वो सरकार जो वर्तमान में जो सरकार रही है उस सरकार से बेहतर सरकार हो, और अभी जो सरकार रही है उसमें कई सारी कमियाँ हैं, कई सारी खामियाँ हैं, उसको दूर करते हुए कोई अच्छे मुद्दों को लेकर, अच्छे एजेंडों को लेकर, जैसे कि आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़े क्राइसिस है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, और जैसे कि चीज़ों के दाम, जो जितनी भी चीज़ों के दाम है वो डबल होते जा रहे हैं, सारी चीज़ों के दाम, इन पर थोड़ा अंकुश लगे। बाकी देश में काफ़ी सारी जो इन्फ्लुएंसेस थी वो भी कंट्रोल हुई है, और बैंकिंग को लेकर पारदर्शिता आई है, वो भी चीज़ें अच्छी हुई हैं, रोड स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सरकार के अंदर, तो ऐसे नहीं है कि कई मिनिस्टर हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी एक मजबूत सरकार बनाने के लिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए देश में एक बेहतर काम करने होंगे, जिस पर जो काम है अब तक के उससे और ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब हमें ऐसी सरकार चाहिए। मतलब आप बीजेपी से खुश नहीं है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बीजेपी से खुश नहीं है, क्योंकि इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखिए, महंगाई से तो कोई भी खुश नहीं होगा, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी महंगाई से खुश नहीं है। चाहे तो महंगाई है तो वो सबके लिए है, वो हर पार्टी के, हर कार्यकर्ता के लिए है, हर किसी भी नागरिक के लिए है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे तो महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग 20 रुपये किलो आलू खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट किसानों को नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं अगर हम 20 रुपये किलो आलू खरीदें तो कम से कम 15 रुपये किलो गेहूँ, उसको दाम किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसानों से 2 रुपये लेकर 20 किलो में बेचा जाता है, जो 18 रुपये का जो डिफरेंस होता है उसको कहीं ना कहीं सरकार देखे। और पेट्रोल पर जो महंगाई हो रही है, गैसों पर आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, एजुकेशन को लेकर और हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा काम नहीं है देश के अंदर, तो उस पर भी सरकार काम करे। लेकिन हाँ, कई सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसकी भी सराहना करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से मोदी कहीं ना कहीं लगातार कहते रहते हैं कि हमने गन्ना किसानों का सबसे ज़्यादा भुगतान किया, देखो गन्ना किसान तो ऐसा है देश के अंदर परेशान है, किसी भी सरकार ने किसानों के हित की नहीं सोची है, कोई जितनी भी सरकारें रही हैं, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी सरकारें रही हैं अब तक की, किसानों को लेकर किसी भी सरकार ने बेहतर काम नहीं किया है। आज भी देखो किसानों की जो फसल है वो MSP के लिए लड़ रहा है, लेकिन अभी आपको पता होगा आंदोलन हुआ, आंदोलन को लेकर मांगे सरकार ने मांगी कि, लेकिन बातचीत अभी तक खटाई में पड़ी हुई है, बातचीत नहीं हो पा रही। तो सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, कि किसान इस देश का अन्नदाता है और इस देश को खाने को देता है। अगर किसान एक साल काम नहीं करेगा तो पूरा देश खत्म हो जाएगा, पूरी सब लोग भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। तो मेरा मानना है किसानों पर सोचनी चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारा देश इकोनॉमी, वो हम अर्थव्यवस्था में जो कृषि है वो सबसे बड़ा योगदान देता है,
अगर हम अपने कृषि प्रधान देश तो हैं लेकिन हम किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो बताइए क्या क्या कृषि प्रधान देश हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से भैया कह रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर किसानों को कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिया जाता, किसानों को सुनी नहीं जाती। क्या कहेंगे आप 24 चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप? 2024 लोकसभा चुनाव किस जगह से हैं आप? मैं जी दिल्ली से। दिल्ली में देख लीजिए जिस तरीके से मनु सिसोदिया जेल भेजा गया और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कहती कि हमने दिल्ली में जो है महिलाओं को फ्री में बस करने की यात्रा दी, दिल्ली में हमने फ्री बिजली दी है, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, तो केजरीवाल की सरकार से कितना सहमत हैं आप? जी हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है, कुछ काम नहीं किया उसने। ये रोड भी अब यहाँ के निगम पार्षद से बोल बोल के बनवाया गया है, कुछ काम नहीं किया उसने, बेकार सरकार है। अच्छा, आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है? नहीं, यहाँ पे नहीं है जी। कहीं वो तो कहते हैं हमने पूरे दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक दिया, कहीं एक भी नहीं है यहाँ पे। राहुल नगर में दिखा दो, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ पे। तो 24 में सरकार कैसे चाहते हैं हम? 2024 लोकसभा चुनाव पास हम तो जी मोदी की सरकार चाहते हैं। क्यों? तो भैया कह रहे हैं कि सरकार में कोई विकास ही नहीं हुआ। हाँ, कुछ जगह विकास हुआ लेकिन कुछ जगह को सुधार करने की जरूरत है। विकास की जरूरत है पर सरकार बढ़िया होनी चाहिए ना। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये देख ही नहीं रहे काम को, रोड देख लो, कुछ भी देख लो, यहाँ पे काम धंधा नहीं, सब काम धंधे पिट चुके हैं बिल्कुल। भैया कहाँ रहने वाले हैं आप? भैया दिल्ली का रहने वाला हूँ और यहीं करावल नगर लोकल का रहने वाला हूँ मैं। क्या देखते हैं 24 में, कैसी पार्टी आपको चाहिए, कैसी सरकार आपको चाहिए? सर बीजेपी बेस्ट काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है बीजेपी, और मोदी जी ही 2024 में आ रहे हैं और 2029 में भी मोदी जी आ रहे हैं। इसमें कोई कहने वाली बात है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखो आप भी जानते हो कि देखो सारी पार्टियाँ ही चोर हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पक्का बीजेपी बहुत बढ़िया है, बीजेपी कहीं हद तक ठीक है। और बाकी बात करें हम और अदर पार्टियों की, जैसे कि आपकी जितनी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार हो गया, आपका अरविंद केजरीवाल हो गया, जितनी पार्टियां हैं सब एकजुट हो रहे हैं, सारे चोर एक साथ हो रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी गिराने जा रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी कहीं अच्छा काम कर रही है वो। तो सीधी सी बात है, बीजेपी सीधा आ रही है, कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल भी क्लियर है बिल्कुल। जिस तरीके से कि भैया भी कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है 2024 लोकसभा में क्योंकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार कम किया है, लगता है आपको ऐसा कुछ? नहीं, बीजेपी एक ईमानदार पार्टी है, सही है। 24 में कैसी सरकार देखते हैं आप? ईमानदार सरकार चाहिए हमें, हाँ ईमानदार सरकार चाहिए जी। तो भैया जैसे अभी बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव में ईमानदार सरकार चाहिए, तो आप रहने वाले कहाँ के? भाई करावल नगर, यही दिल्ली का। दिल्ली में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो कितना तो बीजेपी की सरकार है? नहीं नहीं, आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ दिल्ली में रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी सरकार से कितना खुश हैं आप? हम भी खुश हैं जी, कोई दिक्कत नहीं आम आदमी से भी। बिजली बताते हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं? नहीं सही आ रही है बिजली भी है, मोहल्ला क्लिनिक भी है, यहाँ पर सिर्फ बिहार में कोई दिक्कत थोड़ी ना। बिल्कुल भैया, जिस तरीके से आपने कहा कि किसानों के लिए सरकार सोचना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ ये भी कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी जो काम कर रही है बहुत बेहतरीन कर रही है। देखो बीजेपी काम तो अच्छा कर रही है, मैंने कहा, लेकिन देखो हर सरकार 100% तो सही कर नहीं सकती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो वर्तमान में सरकार है, अभी देश में जितनी भी पार्टियाँ हैं उससे बेहतर पार्टी तो आम आदमी बीजेपी पार्टी है, लेकिन बीजेपी को अभी बेहतर काम करना पड़ेगा, परफॉर्म अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया नितिन गडकरी बेस्ट लीडर है, बेस्ट परफॉर्मर है नितिन गडकरी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर सारे राज्यों में परफॉर्म किया है अपने राजमार्गों द्वारा, नई नई सड़कें बनाई, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। तो ऐसे नेताओं की हम दाग देते हैं, ऐसे नेताओं को आगे आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप देख भी देखिए, जो सरकार है केजरीवाल सरकार है, एक नंबर की भ्रष्टाचार सरकार है, एक नंबर का झूठा है, दो दो कैबिनेट मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी फंसा रही है हर चोर। देखो अभी क्या हुआ, हमने एक मोबाइल वाला भी कुछ दिन पहले पकड़ा, मोबाइल चोरी करके भाग रहा था, पकड़ा। जब उसको पकड़ा तो हमने कहा भाई तूने फोन चुराया, तो उसने भी मना किया मैंने फोन नहीं चुराया। देखो हर चोर ये कहता है कि भाई मैंने चोरी नहीं की। कितनी भी चोर हो, घोटालेबाज हो, आज तक किसी घोटालेबाज ने कहा है कि अदालत में जाके कि जज साहब मुझे सजा दे तो मैंने घोटाला किया? किसी चोर ने कहा है मैंने फोन चोरी किया, मैंने स्नेचिंग की है? किसी मर्डर ने कहा कि मैंने मर्डर किया मुझे सजा दो? हर चोर यही कहता है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल कोई नई बात तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल के दो कैबिनेट के मंत्री जो शीर्ष के हैं वो जेल में तिहाड़ में बैठे हुए हैं। क्यों है? क्योंकि जगह जगह ठेके खुलवा दिए, जगह जगह ठेके खुलवा दिए। शाम को देख लो सड़कों पर पब्लिक नशे में चलती है, इतने बुरे हालात हो चुके हैं। स्कूल बना दिए, बिल्डिंग आपने तैयार करके दे दी, उसमें प्रिंसिपल नहीं है, साइंस नहीं है, टीचर नहीं है, पीने का पानी नहीं आता उसके अंदर, साफ सफाई नहीं होती स्कूल के अंदर। तो इस तरह का एक दिल्ली के कुछ इलाकों में, जैसे रोहिणी हो गया, पड़पड़गंज हो गया,
यहाँ तुम्हारे करोल बाग हो गया, कुछ इलाकों में 6-7 स्कूल बनाने से पूरी दिल्ली का ये नहीं होता। जो भी आते हैं आप उधर के स्कूल दिखाते हो, आप हमारे दिल्ली के स्कूल दिखाओ, आप हमारे गोंडा के स्कूल दिखाओ, यमुना बिहार के स्कूल दिखाओ, करम नगर के स्कूल दिखाओ, मुस्तफाबाद के स्कूल दिखाओ, नेहरू बिहार के स्कूल दिखाओ, दिखाओ ना, पता लग जाएगा तुम्हें दिल्ली में कैसे स्कूल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जब किसी को कोई बाहर से कोई मुख्यमंत्री आता है, बाहर से कोई अतिथि आता है, तो आप उन पोश इलाकों को स्कूलों को दिखाने ले जाते हो जो पहले से बेहतर हैं। वो शीला दीक्षित के टाइम से बढ़िया स्कूल हैं, आप उनको दिखाने ले जाते हो। आप लाओ हमारे स्कूलों में, आप स्कूलों में लेकर जाइए, उसमें पीने का पानी नहीं है। एप्लीकेशन लिख के दे रहा है वो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कि स्कूल में पानी तो दो कम से कम, लेकिन पानी नहीं है। दुनिया का वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन वो बनाते हैं, मॉडल बताते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आकर देखो हमारे स्कूलों में। तो लगातार कहते रहते हैं जिस तरीके से सिसोदिया ने, मनीष सिसोदिया ने जो काम किया, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति की पत्नी आती है वो भी जाके सराहना करती है। मैंने क्या कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी अगर आती है तो वो उसी स्कूल में आती है, वो मैं बता रहा हूँ वही स्कूल है। अब हमारे स्कूलों में दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाओं में कितने सारे स्कूल हैं, 1400 स्कूल हैं सरकारी स्कूल। आप 1400 स्कूलों में विजिट करके देखो, साइंस नहीं है, 700 स्कूलों में साइंस नहीं है और 600 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। आप देखो ना स्कूल में क्या हो रहा है। आप 4-5-10 स्कूल बनाकर, बेहतर स्कूल बनाकर उन्हें दिखाते रहते हो, उनकी आप सोशल मीडिया पर प्रचार करते रहते हो, उससे नहीं होता कुछ भी। आप ग्राउंड पर देखो जितने भी स्कूल है, अगर रोहनी का स्कूल बेस्ट है तो मेरे यहाँ का भी स्कूल बेस्ट होना चाहिए। आपका स्कूल बेस्ट है, मेरे यहाँ का स्कूल बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा क्या इलाका दिल्ली में नहीं पड़ता? क्या यहाँ का विधायक आम आदमी पार्टी का नहीं है? यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक ने सड़क तक नहीं बनाई जो बढ़िया। अच्छा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं अरविंद, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर आप देख लें उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था और दिल्ली कानून व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था दिल्ली में उत्तर प्रदेश का मुकाबला नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आज भी क्राइम होता है, उत्तर प्रदेश में आज भी बुरा हालात है ग्राउंड पर देखा जाए, लेकिन दिल्ली में तो स्मार्ट पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, बेहतर काम है। लेकिन देखो छीना झपटी लूटमार कहानी होती है हर स्टेट में। अब इतना ज़्यादा पुलिस व्यवस्था सुचारू नहीं है जिसकी हमें एक राजधानी, एक बेहतर राजधानी होने के नाते हम लोगों को एक अच्छी पुलिस की आवश्यकता है, वो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है, ऑल ओवर पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में देखा जाए तो। अच्छा, राहुल गांधी को जिस तरीके से जेल हुई, फिर जमानत मिली उनको, अब उनकी सदस्यता चली गई, तो आपको लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कहते रहते बीजेपी ने करवाया या पीएम मोदी ने करवाया, इसमें किसी खास हो सकता है? बिल्कुल, देखो ये तो राजनीति है। अब जो मुख्यमंत्री ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमें जेल में डलवाया था, इन्होंने भी तो जेल में डलवाया था, इनका कार्यकाल देखो, इमरजेंसी लगाई, बहुत सारे काल, राजनीति में क्या क्या बदले की भावना है, इन्होंने किया तो इनके साथ भी हो रहा है, सीधी सी बात है। तो राजनीति में क्या हो रहा है कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाऊँगा, मैं विकास की बात करूँगा। ये एक राजनीतिक एजेंडा है कि उसने उसको जेल पहुँचाया, उसको जेल पहुँचाया, ये आपस में अपना करते रहेंगे, कल को ये सत्ता मांगेंगे, ये पहुंचाएंगे, ये इसमें ये इससे देश का और आम नागरिकों को लेना देना नहीं है। हम लोगों को बेहतर स्कूल चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, साफ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, ताकि देश आगे बढ़े और जो भी कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी सरकार काम करे, रोजगार युवाओं को दे। तो मैं तो यही कहूँगा कि महंगाई जो बढ़ रही है उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए, और मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं, और जो मैं तो कहूँगा कि बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट लीडर हैं बीजेपी के अंदर, तो मैं कहूँगा कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के लिए अगर बीजेपी प्रमोट करे तो मेरे लिए उससे बेहतर। बिल्कुल, जिस तरीके से कह रहे हैं कि नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बीजेपी को पीएम बनाना चाहिए, और जनता देखे जो आज युवा है वो भागते हैं योगी की तरफ कि योगी को पीएम बनाना चाहिए, तो किस तरीके से लोकसभा 2024 चुनाव देखते हैं? अगर मान लीजिए 24 में बीजेपी फिर से एक बार आती है तो आपको लगता है कि पीएम मोदी ही रहेंगे, या जिस तरीके से भैया कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को बनाना चाहिए और आज के युवा कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बनाना चाहिए? मेरे ख्याल से मोदी जी को पीएम बनाना चाहिए, क्योंकि गडकरी जी भी योगी की मोदी जी कार्यकाल में ही काम कर पा रहे हैं, सड़कों का काम कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, और योगी जी का कार्यकाल यूपी के एक स्टेट के अंदर अच्छा है, अभी देश के अंदर आना या देखना 5-10 साल उन्हें यूपी के अंदर काम करना चाहिए, देश के अंदर मोदी जी ही ठीक रहेंगे। 24 लोकसभा चुनाव किसी तरीके देखते हैं आप? 24 लोकसभा चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण होने वाला है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा रहेगा मेन, और भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है जिसमें आपका भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, महंगाई ज़्यादा मुद्दा रहेगा 24 के अंदर। बिल्कुल चाचा, जिस तरीके से कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा 2024 लोकसभा चुनाव ज़्यादा रहेगा, तो आपको क्या लगता है 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी रहेगी या पार्टी बदलेगी, सरकार बदलेगी, सरकार कोई दूसरा आएगा और दिल्ली के गद्दी पर जाकर वो बैठेगा? महंगाई का और बेरोजगारी का जो इस समय स्थिति ज़्यादा ख़राब है, युवा बेरोजगार ज़्यादा हो रहे हैं और महंगाई तो है ही, महंगाई का कोई डबल महंगाई इस समय, तो बदलाव होगा 2024 में, बदलाव होगा। आपको लगता है विपक्ष एकजुटता साथ आएगा? है जी, विपक्ष एक साथ आ सकता है?
विपक्ष एक साथ नहीं आ सकता, सब अपने अपने उसमें है, कौन बाजी मारने चक्कर में, विपक्ष एक नहीं हो सकता, ये संभावना नहीं। विपक्ष मान लीजिए एक साथ आता तो आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री रूप में एक तो केजरीवाल जी, ठीक बढ़िया आदमी है, और दूसरे राहुल। लेकिन भैया कह रहे हैं केजरीवाल ने कोई विकास नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया, काम किया क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो केजरीवाल जी है। एक यहाँ भी खोला था ठेका शराब का, बिल्कुल शराब का ठेका खेला। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो यही है, जो झांका विधायक तो आज तक नजर भी नहीं आया, सारा खा गया, सब आम आदमी पार्टी का है, सारे खा गया विधायक। और मोदी तो अच्छा था, कोई प्रधानमंत्री है भी नहीं, मोदी है तो देश है और नहीं कुछ भी नहीं है। क्या कर दिया मोदी ने? गरीबों का तो सारा ही काम गया। गरीबों को तो बताते हमने राशन दिए, वो तो बताते हम राशन दे रहे हैं। राशन भी ना मिला हमें, तो राशन भी ना मिला, ना लंडर मिले, बताओ किसे मिले सिलेंडर। अच्छा कहाँ रहने वाली हैं आप? हम तो बागपत साइड का। तो बागपत में आपको क्या लगता है, कानून व्यवस्था पहले से अच्छी की जैसे थी वैसे ही है? हम तो ऐसे ही है, कानून व्यवस्था कोई सुधार नहीं है। योगी ना, हम ना करा, योगी ने भी ना करा, योगी ने भी नहीं करा। अच्छा आपके घर में शौचालय है? शौचालय दिया सरकार ने? ना दिया। मकान दिया आपको? ना दिया। कोरोना काल में वैक्सीनेशन मिला आपको फ्री में? कोरोना काल में मेरा आदमी मरा, उसके करुणा नहीं था, करुणा की रिपोर्ट नहीं दी है, और निकाल दिया करुणा, मेरा आदमी मरा, मुझे एक रुपया भी नहीं दिया 40 गुड ने। कोरोना काल में आपको फ्री में राशन मिला था? आपको ना मिला राशन भी? नहीं मिला। राशन कार्ड है आपका? हाँ है। तो राशन लेने गई आप तो क्या कहते हैं? कह रहे नहीं, आधे बच्चों का मेरे मिल जाओ दो कने। हाँ ये तो नहीं पता, बिल्कुल बनाया भी नहीं है राशन नया, तो केजरीवाल जी ने बनाया भी नहीं है नया, और बुजुर्गों की पेंशन भी नहीं मिल रही है, कहाँ मिल रही है, सब खत्म कर दिया है। हाँ 6 साल से बंद है बिल, नहीं जब तक ये सरकार रहेगी आम आदमी की तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नया नहीं बनेगा भैया जी, नया नहीं बनेगा भाई साहब। मैं तो यह सरकार चाहती, जो पहले सरकार थी वो चाहती। कौन थी पहले? संजय गांधी, इंदिरा गांधी, वो दिलाओ, वो सरकार आ जाओ, वही तरीकी हो जाएगी जो पहले थी। हाँ इंदिरा गांधी को बुला दो। कहाँ से हम बुलाते हैं इंदिरा गांधी, तो बेटे है उसके, पोती है उसकी, बहू है उसकी। आपको लगता है राहुल गांधी वापसी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा जो सरकार लोग बाग जाती उसकी सोचेंगे उसके बारे में, तो बढ़ सकता है जब वो गरीबों की मदद करेगा। लेकिन जो बीजेपी वाले हैं, जो जनता है, वो तो बोलते कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, घर बर्बाद हो गए लोग बागों के, मोदी ने घर बर्बाद करवा दिया लोग बागों के। कैसे बर्बाद किया उन्होंने? कहाँ गया था मोदी, कहाँ गया था, मस्या करुणा लेकर आया था। जितने हिंदू मुसलमान करते थे बोला बीजेपी जी, क्या कह रहे हैं आप? जितने इनके बीजेपी वाले राष्ट्रीय लीडर हैं सबके दामाद मुसलमान, सबके रसोई मुसलमान, और अभी जो मुसलमानों को दिया है पुरस्कार उसके बाद जनता को हिंदू मुसलमान करवाते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? हिंदू मुसलमानों के दामाद हैं, ये भी तो बताओ, बस यही तुम्हारी कमी, ये भी तो बताओ कि हिंदू कितने दामाद हैं? एक का नाम बताओ। हाँ चाचा नाम बताओ। एक का नाम बताओ क्या कि हिंदू कितने दामाद हैं मुसलमानों के? एक का नाम बताओ, नहीं बता ना? पता ही नहीं है, नहीं जानकारी सब है। वो पता है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो अडानी के मामले में जेपीसी गठन क्यों नहीं हुआ, उसको क्यों नहीं बताया था 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, किसका था, क्या था? जो जनता आज महंगाई, इसने आते ही मोदी ने केरोसिन और जो 2-4 किलो चीनी मिलती थी गरीबों को मार दिया, उसके बाद बेरोजगारी में गरीबों को मार दिया। आज जो आदमी 8,000-7,000 नौकरी कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में जाता है पूछता है कि महंगाई भत्ता कोई बढ़ाता है? बेचारा गरीब आदमी मरा जा रहा है, युवा बेचारा जो चार साल की अग्नि परियोजना कर दी उसमें बेचारा कहाँ जाए जवान, आप बताओ कहाँ? फौज में भर्ती नहीं होना चाहते 6 करोड़ लड़के तो ये आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी नौकरी जिंदगी खराब कर ली, उन्हें ट्रेनिंग कर भाग भाग दौड़ दौड़ के पैसे लगा गए, कहाँ जाए आज भी 2 करोड़ रोजगार दे रहा है, 2,000 रोजगार नहीं दे रहा साल में, क्या स्थिति है? जवान कहाँ जाए? किसी मिनिस्टर का किसी IAS अफसर का लड़का थोड़ी जाता है मिलिट्री में, गरीब आदमी का जाता, मजदूर किसान का लड़का जाता जाता से, आज क्या स्थिति पैदा कर दी? चाचा कह रहे हैं कि पूरा एकदम भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा है। भाई इनकी भी पार्टी थी लोक सल, इनकी पार्टी कभी नहीं जीते ना कभी लड़े भी नहीं, तो भैया विपक्ष तो कहेगा ही, भाई साहब मैं विपक्ष तो कहेगा भैया इनकी भी पार्टी थी, भैया इनकी भी कुछ नहीं हुआ, इनका भी कुछ नहीं हुआ, विपक्ष तो कहे। और भाई जनसंख्या बढ़ती है तो भ्रष्ट थोड़ी तो वो होता ही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या। चाची क्या चाहते हैं आप बताएंगे? आप
भला बताइए क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, मैं ना कहती भैया कुछ ही, मेरे तो और बेकार में सिर में दर्द हो है। मुझे तो मोदी मिल जाए तो दे दबा दब, दे दबा दब। क्यों क्यों बच्चों के इल्ले छोड़ दे सारे, जो बाबा प्रचार कर रहा था वही हम करेगा। जा भाई बुला रहा तेरे को। अच्छा भैया जिस तरीके से कह रहे हैं मोदी मिल जाए तो ये दबाव था, दे दबाव था, तो मतलब लोगों में इतना आक्रोश क्यों मोदी को लेकर? अगर मोदी ने काम किया, वाकई में विकास किया, लोगों को कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीनेशन दिया, उन्होंने बताया रोजगार दिया, दो बताते हैं 200 करोड़ हमने बांट दिए, शौचालय बांट दिए, गरीबों को आवास दे रहे हैं, कोरोना काल में फ्री राशन दिया, राशन अभी तक फ्री मिल रहा है, तो जनता में इतना आक्रोश क्यों है? देखिए 140 करोड़ से ऊपर का देश है, 140 करोड़ देश है, इतने बड़े देश को चलाना कोई मजाक नहीं है। और आज हमारे देश में एग्रीकल्चर को लेकर जो भी रिफॉर्म हुए हैं, सेना में काफ़ी काम हुआ है, और हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें भी काम हुआ है, रोडों को जैसे नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसी बात नहीं है, काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन हर आदमी सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कमी रहती है। कोरोना काल में जितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था सब ध्वस्त हो गया था, कोरोना काल के बाद फिर वैक्सीनेशन हुआ, पूरे देश के हर नागरिक को वैक्सीनेशन हुई है, बहुत बड़ा टीकाकरण था दुनिया के अंदर, तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन हम और पहलुओं पर भी बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि सब लोग खुश हैं, हम भी कई चीज़ों को लेकर हमारे सवाल हैं कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों के मुद्दे हैं, किसानों को लेकर सरकार ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, जैसे आपने कहा कि गन्ना को लेकर आप चले जाओ, गन्ना किसानों को लेकर भी बहुत सारी गन्ना किसानों की मांगे हैं जो आज भी सरकार ने होल्ड पर रखी हुई हैं, वो मांगे नहीं मानी है, तो मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार सजग रहे, उनके मुद्दों को लड़े, उनकी आवाज़ उठाए, किसानों की जो फसल है MSP है उसका उनको हक दिलाए, जो भी गेहूं की कीमतें हैं, बाजरा दाल है, तिलहन है, सब्जियां हैं, जितने भी फसलें हैं उनका सही दाम उनको मिलना चाहिए। मैं तो भारत सरकार से अपील करता हूं, और जो भी कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि भारतीय किसानों को लेकर एक ऐसा कानून बनाए कि उनको उनकी फसलों के दाम मिले, ताकि हमारा भारतीय किसान जो आज परेशान है, दुखी है, वो उससे निकल कर एक समृद्ध किसान की भूमिका में आए। बिल्कुल भैया, जिस तरीके से बातें हो रही हैं आपने भी सुना कि कह रहे हैं कि सरकार ने काम अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के मामले में चूक कर दिया। देखो आपको बताएं, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी बहुत अच्छा कार्यकाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब हम नहीं, उनको पूरी जनता, पूरा उत्तर प्रदेश उनके काम से खुश है। और मोदी जी हैं, मोदी जी भी जब से भाजपा राज चला रहे हैं, शायद उसमें देखो तो कहने की बात आ गई, कोई कह दे कि नहीं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मोदी और योगी के शासन में जितना अच्छा शासन और व्यवस्था चल रहा तक कोई सरकार में हमने देखा नहीं। ठीक है, दोनों का जोड़ा एक राम लखन जैसा जोड़ा है। ठीक है, आप बताइए कितने सालों से अयोध्या मंदिर पेंडिंग था। ठीक, अखिलेश की भी सरकार यूपी में थी, मायावती की थी, लेकिन मंदिर का जो फैसला था तो कोर्ट ने सुनाया था ना फैसला, वो फैसला कोर्ट ने सुनाया था ना। देखिए सर, मेरी बात सुनो, मंदिर जब था तो मंदिर अखिलेश का भी था, मायावती का भी था ना, तो क्या ये योगी का ही था, सबका था ना, लेकिन मंदिर तो अखिलेश भी बनवा सकते थे और मायावती भी बनवा सकते थे, लेकिन उस चीज़ को छोड़ते छोड़ते 8 टंड से उनको मंदिर मिलाया गया, ये योगी सरकार की देन है। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश, हम भी उत्तर प्रदेश जलालपुर विधानसभा 280 के रहने वाले हैं और पक्का भाजपा ही हैं। ठीक है, आपको बताएं वहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जो योगी के खिलाफ कुछ कह दे, सबसे बेटर जितना। सांसद कौन है जी? सांसद कौन है वहाँ का जी? सांसद हमारे यहाँ सांसद बसपा से हैं, रितेश पांडे जी। और विधायक कौन वहाँ का? वहाँ के विधायक हैं राकेश पांडे, उनके पिताजी बसपा से, सपा से। मतलब सांसद जो है वहाँ के वो बसपा से हैं और विधायक सपा से हैं? सपा से हैं और उनका बाप पिता जो है सांसद सपा से, राकेश पांडे। तो वहाँ की कानून व्यवस्था कैसे नजर आती है आपको, वहाँ की सड़कें कैसे नजर आती हैं आपको? देखिए ऐसा होता है, आपको बताएं आज के डेट में जनता, कुछ जनता ऐसी होती है वो पैसा पीछे भी भागती है। थोड़ा सा ये जो सांसद हैं और ये हमारे यहाँ के विधायक हैं, ये हमारे यहाँ के एक हस्ती हैं,
हमारे यहाँ के खस्ती हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा उनका उसको जैसे बाकी जो है जो व्यवस्था जो सारी चीज़ें और भी हमारे पास निगम पार्षद है जिला पंचायत है सारी चीज़ है व्यवस्था थे हमारे यहाँ बीजेपी वाले बहुत ही खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। और योगी जी का जो राज्य है बहुत अच्छा है, यूपी में तो हमारे 99% लोग ऐसे नहीं हैं कि जो उनका तो फैसला तुरंत आने इस बात यही होता है कि अगर किसी के पहले क्या होता था किसी की लड़कियां बहू बेटियां निकलने में स्कूल जाने में आने में बहुत दिक्कत होती थी, सोचना पड़ता था। आज के दिन अगर हमारी लड़की किसी की लड़की किसी की बहू 10 बजे रात को अभी आ रही है कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ अम्मा हैं, अम्मा से बात करते हैं। अम्मा, सरकार में आप खुश हैं महंगाई को लेकर? नहीं भैया। देखिए, आप एक गृहिणी हैं और जिस तरीके से गैस लगातार दाम गैस का दाम बढ़ रहा है तो है ना, कमाई तो बढ़ नहीं रही है, दो बच्चे स्पेंड खत्म हो गए हैं, राशन भी एक बेर का ही मिल रहा, एक बेर का जैसे डबल मिलता था अब सिंगल मिल रहे हैं। तो सरकार के कामों से खुश है कि नहीं आप? नहीं, महंगाई के उससे खुश नहीं है। बाकी कामों से? बाकी है ना, राशन भी एक बेर का मिलना डबल मिलता था, अब वो भी कई महीने से। तो 2024 सरकार किसकी जाती हैं आप? 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार किसकी जाती हैं? जो अच्छी हो वही, जो पहले थे वो भी सही। जो पहले थे वही चाहिए। तो हाँ चाचा, कहाँ रहने वाले हैं आप? क्राउल नगर के रहने वाले हैं। तो सरकार कैसी देखते हैं आप, जिस तरीके से भी अम्मा भी कह रही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सरकार काम अच्छा कर रही है वो कुछ किसानों के बारे में नहीं कर रही, किसानों के बारे में सोच नहीं रही है? देखो, ये तो अपने अपने सोच है, महंगाई और जो भी धंधा है जो भी कुछ कह रहे हैं लोग, ये तो हर देश में देखो जा करके, हमारे देश की व्यवस्था थोड़ी है, उनमें देखो जहाँ भूखे मर रहे हैं लोग, जहाँ एक एक रोटी को तरस रहे हैं लोग, हमारे यहाँ तो फिर भी कोई भूखा तो नहीं है, और भूखा कोई हो भी तो गवर्नमेंट उसकी सहायता कर रही है, अनाज भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, और कोई व्यवस्था कैसी होगी? देखो, बेरोजगारी तो थोड़ी बहुत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अब उसे बेचारा मोदी अकेले कैसे सुधार देगा, हमारी भी तो ड्यूटी बनती है, कुछ नहीं बनती है। फिर दादा, जिस तरीके से कह रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री ना कोई यूपी माया ना आएगा, बेरोजगारी का कारण है कि नौकरशाही भी है। मेरे यहाँ सरदार सिंह नाम है मेरा, मुखिया मार्केट में रहता हूँ, गत्ते की फैक्ट्री क्या एक छोटे सा हॉल था, उसमें मेरे पास लाइसेंस भी है, हाउ टैक्स मैं भरता हूँ, उसका देविंदर था एक यादव, MCD में सादरा, मेरे सील लगा कर दो हॉलों में, बेमतलब कोई लेना नहीं देना, एक हॉल की सील खोल गया 25,000 रुपये लेगा फैक्ट्री मालिक से और उसकी सील खोल गया, बताओ इसमें हमारा क्या दोष है? और सील फिर दोबारा लगा के खाली में सील लगा के बताओ क्या बेरोजगारी नहीं होगी और क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? हम बूढ़े आदमी 70 साल की उम्र है मेरी, किराए के ऊपर निर्भर रह रहे हैं, अब किराया भी हमारा छीन लिया गया तो बताओ हम कहाँ जाएँ, कहाँ से रोटी खाएँ? गवर्नमेंट से हम कोई साधन लेते, हाउ टैक्स हम देते हैं, टैक्स भी देते हैं, सारे काम करते हैं और हमें भूखे मरने का ढंग बताओ, दो मर्द भी हम बूढ़े बुढ़िया अब कहाँ किसके सहारे खाएं, पिल्सन हम नहीं लेते क्योंकि हम जब गवर्नमेंट को कुछ देते नहीं तो हम पिल्सन लाएँ क्यों, हम इस शर्त में हैं और गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर रही है, बताओ हम कहाँ जाएं? ये तो 24 में आप क्या चाहते हैं, लास्ट आखिरी सवाल आपसे। हम तो 24 में भी मोदी चाहते हैं क्योंकि देश को मोदी चला सकता है और नेता ही नहीं है अभी। बिल्कुल चाची, एक लास्ट सवाल आपसे, 24 में आप सरकार किसकी चाहती हैं? मोदी की, बीजेपी की। बीजेपी, भैया किसको चाहते हैं आप? बीजेपी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने लोगों को सुना, जनता को सुना, जो लोग यहाँ पर थे वो कहीं ना कहीं मोदी के कामों से प्रभावित हैं, योगी के कामों से प्रभावित हैं, तो वहीं जनता दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल थे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित दिखती है, लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक देखने को नहीं मिलता है। कैमरामैन सरताज के साथ मैं सुदीप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।